मैं भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है एंड इट इज़ माई बर्थडे। अरे भाई अभी कुछ नहीं बोलना चाहता मैं, मम्मी है ना साथ में इसीलिए, नहीं तो बताता अच्छे से इसको। भाई सेंटर एवेन्यू कहाँ है? ये है सैनिक फार्म, ये है भाई बढ़िया जगह। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो सारे के सारे? बहुत ज़्यादा बढ़िया, मैं भी बहुत ज़्यादा बढ़िया एंड इट इज़ माय बर्थडे। आज मैं अपने काम पे नहीं गया क्योंकि मेरे ना थोड़ा सा पैर में दर्द सा हो रहा था, इसलिए मैं आज काम पे नहीं गया। और ये भी है कि क्या बोलूँ, अभी ये भी सीन है ना कि मैं थोड़ा सा अभी अपना आज मैं घर पे बैठे बैठे आज मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, आज बस सिर्फ पढ़ाई करेंगे और बस अपना पढ़ाई करेंगे, दैट्स इट। टाइम हो गया है 10:30 हो गए और मैं मम्मी ने फ्रूट्स दे दिए थे मेरे, एक सेकंड, मम्मी ने फ्रूट्स दे दिए थे मेरे को और साथ में मैं अभी अपना ये बैठा था, ये बैठा था पढ़ने के लिए बैठा हुआ था। बस ये है कि अब जल्दी से अपना काम वाम सारा ख़त्म करके अभी पढ़ने बैठा हुआ, मेरे को भूख लग रही थी तो मैं आज सोच रहा हूँ कि यार बहुत टाइम से हमने छोले भटूरे नहीं खाए हैं तो हम एक काम करते हैं छोले भटूरे खा लेते, ठीक है, ऑर्डर करो। तो मैं अपना स्विगी में लॉगिन कर रहा था क्योंकि मैं मतलब मोस्टली मैं स्विगी से ही ऑर्डर करता हूँ, तो जस्ट लॉगिन कर रहा था। अब मैं जल्दी से ऑर्डर करता हूँ अपने छोले भटूरे। अरे वो छोले भटूरे कसके ऑर्डर करें, मैं मोस्टली इसके वहीं से ऑर्डर करता हूँ, ये भानु आउटलेट से, क्योंकि इस छोले भटूरे ठीक लगते हैं मेरे को। है सबसे दिक्कत की वाली बात बोलो या क्या बोलूँ कि भाई इसका रेट बड़ा महंगा हो जाता है, बट डिलीवरी विलीवरी लगा के देखो 147 का हो गया, अभी डिलीवरी लगा के 147 हो गया और मैंने आइटम खाली एक ही मंगाया है छोले भटूरे, फिर भी ये 150 रुपये का हो गया। आज बर्थडे है क्योंकि कल से मैं हर चीज़ में फ्रॉम डाइट टू एवरीथिंग, बस यही है अभी तो मन में। कॉफी भी हो गई अपनी और बस दैट इज इट। चलो भाई अब मैं और मम्मी अभी जा रहे हैं, एक सेकंड भाई, नहा लिया हमने, मैंने मतलब मैं और मम्मी अभी जा रहे हैं एक काम से, मैंने पहले क्लीन शेव भी कर लिया यार, पता नहीं मैं कैसा लग रहा हूँ, बाल भी अभी बस जल्दी जल्दी मैंने है, मम्मी ने बोला भाई यहाँ चलना है एक जगह, तो एक जगह हम जा रहे हैं, ठीक है यार, तो जल्दी मैं रेडी वेडी हो गया हूँ, इधर मम्मी जा रही है, बैग में सामान वामान डालने लग गए, ये और सीट में डालना पापा दिखे थे इसमें, हाँ बैग में सामान वामान डाल रहे हैं मम्मी, ठीक है चलो एक काम करते हैं सीधा रोड पर ही मिलते हैं। चलो यार भाई लोग निकल पड़े हम, थोड़ा सा एक छोटा सा काम था मेरे को और मम्मी को, तो उसके लिए जा रहे थे, यहाँ पे एक केले वाला भी होता है, केले भी लेने थे बट केले वाला तो है नहीं अभी, ये रहा पूछना इससे कितने के, ये देना मेरे को मोबाइल दे दो, पता है मैं कहाँ देख रहा हूँ, इधर ले लिया, चलो बैठो। मैं ये कह रहा था कि देखो महंगाई का तो केले से पता चल रहा है, पहले 12 रुपये के 12 केले आते थे, अब 50 रुपये के 12 केले 60 के हैं, 70 की चल रहे हैं। अरे भाई अभी कुछ नहीं बोलना चाहता मैं, मम्मी है ना साथ में इसीलिए, नहीं तो बताता अच्छे से इसको, प्यार से समझाता इसको कि भाई तुम ऐसे मुड़ रहे होते तो इंडिकेटर देना होता है, ऐसे नहीं कि मुड़ ही जाते। भाई सेंटर एवेन्यू कहाँ है? सेंटर एवेन्यू इसके अंदर है ना, हाँ ये है सैनिक फार्म, ये है भाई बढ़िया जगह, मजाक सट के बहुत बढ़िया, यहाँ के फार्म हाउस आप देखोगे तो भाई मज़ा ही आ जाएगा, ऐसे बढ़िया बढ़िया फार्म हाउस है यहाँ के, बहुत तगड़े भाई। चलो यही है, अभी तो है कम से कम 10-15 मिनट, कितने मिनट बचे हैं, 8 मिनट का रास्ता बचा है अभी, थोड़ी देर में एक राइट आना चाहिए।
अभी मौसम अच्छा हो रखा है। हाँ, हरिद्वार गया, कहीं चलते हैं। ये देखो आम का पेड़, आम का ये वाला, ये देखो ना। चलो यार भाई लोग, मैं आ गए थे घर। घर आने के बाद अब मैं आज का ब्लॉग एंड कर रहा हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। चलो मस्ती करते रहो, टिक दिन वाइस यू, टाटा लव यू। और हाँ, खुशियाँ बांटते रहो यार, खुशियाँ बांटते रहो। बोल लो जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ, अरे शादी वादी का क्या करोगे? अरे बाबा, ओ भाई, इसको ठोक दिया भाई, इसके चक्कर में और खाए जाम। कैसे हो गया भाई, कैसे हो गया भाई? उसके इंश्योरेंस ले लो पहले, सबसे पहले उसके इंश्योरेंस के पेपर ले लो पहले। हाँ भाई, ऐसे इनको पता नहीं होता तभी दिक्कत हो जाती है। बताओ यार, बंदा पूरी खतरा कर दी भाई गाड़ी तो।